हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इस सीरीज का 9th पार्ट। इसके पहले के पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हैनली उस लोकेशन तक पहुंच चुका है जहां कल्टीवेटर्स की मीटिंग होने वाली है, और पता चलता है कि उसके पास एक इमोर्टल टोकन है जिससे वो किसी भी सेक्ट को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता है। जल्दी ही सभी कल्टीवेटर्स को मेन टावर में बुलाया जाता है, जहां हम हैनली को भी अंदर जाते हुए देखते हैं। वहां उसके जैसे और भी कल्टीवेटर्स थे और उन्हें जज करने के लिए 7 सेक्ट के लीडर्स बैठे हुए हैं। किन भी अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंच जाता है और तभी स्टेज पर मून सेक्ट की लीडर गिनी आगे आती है। वो सभी कल्टीवेटर्स का वेलकम करती है, साथ ही उन्हें मीटिंग के रूल्स के बारे में बताती है कि सबसे पहले तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट का टेस्ट होगा जहां हम तुम्हारी कल्टीवेशन स्किल्स को परखेंगे, और सिर्फ वही अगले राउंड में जा सकता है जो इस टेस्ट को पास कर पाएगा। फिर वो अगले राउंड के बारे में बताती है जो कि मार्शल आर्ट्स का है, और उसे जीतने वाला अपने लिए एक सेट चूज कर सकता है। हैनली गिनी को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है कि वो इतनी छोटी उम्र में ही एक लीडर बन गई, और तब वैन उसे बताता है कि ये सारा खेल तो कल्टीवेशन लेवल का है जो धीरे धीरे इंसान को इमोर्टल बना देता है। फिर गिनी हवा में कुछ बॉल्स को उछालती है, और इससे पहले कि बाकी लोग कुछ समझ पाए, डोंग नाम की लड़की उनमें से एक बॉल को पकड़ लेती है। उसके पकड़ते ही वो बॉल चमकने लगती है, और गिनी कहती है कि तुम्हारे अंदर वाटर की स्पिरिचुअल रूट है और तुमने इस राउंड को पार कर लिया है। ये देखकर बाकी लोग भी उन बॉल्स को पकड़ने जाते हैं, और उन सभी कल्टीवेटर्स के बीच लड़ाई होने लगती है। सभी एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमाते हैं, और हैनली देखता है कि इनमें से कुछ बहुत ही पावरफुल हैं, जिनका कल्टीवेशन लेवल उससे भी ज्यादा है। ऐसी ही एक लेडी है डुबानो, जो अपने ओपोनेंट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लीडर उसे ऐसा नहीं करने देते और कहते हैं कि रूल्स के हिसाब से किसी को भी मारना इलीगल है। डुबानो भी अपनी फायर रूट के साथ पास हो जाती है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी स्पिरिचुअल रूट बहुत ही कमजोर थी, और उनमें से एक वो चोर वूजी भी है। फिर हम वैन को आगे आते हुए देखते हैं, और इससे पहले कि वो बॉल को पकड़ पाए, वहाँ वो आदमी फेंग्यू आ जाता है जिससे मार्केट में हैनली की बहस हो गई थी। वो वैन को अपने अटैक से दूर उछाल देता है और कहता है कि मुझसे पहले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर बाकी लोगों को धकेलता हुआ वो एक बॉल को पकड़ता है, और पता चलता है कि उसके पास म्यूटेटेड स्पिरिचुअल रूट है, जो एक आम कल्टीवेटर के पास होना बहुत ही मुश्किल है, और ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। फेंग्यू के साथ साथ उसकी दोस्त भी टेस्ट में पास हो जाती है, और वो हैनली को ये कहकर चिढ़ाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम ये टेस्ट पास नहीं कर पाओगे। हैनली सोचता है कि ना जाने ऐसे लोग कल्टीवेटर क्यों बन जाते हैं, और तभी वो लड़की उनकी ओर बॉल को उछालती है। हैनली आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन लीडर देखती है कि उसके अंदर तो 4 स्पिरिचुअल रूट हैं, और वो उसे फेक समझकर टेस्ट में फेल कर देती है। हैनली बॉल को उस टोल वाली लड़की को देता है जो गोल्ड रूट के कॉम्बिनेशन के साथ पास हो जाती है, और इसी के साथ ये टेस्ट भी खत्म हो जाता है। वैन हैनली से कहता है कि लगता है अब अगली बार ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन हैनली तो मन ही मन उसे सॉरी बोलना चाहता था कि उसने टोकन वाली बात उसे अभी तक नहीं बताई। अगला सीन नेक्स्ट डे का है, जहां टूर्नामेंट का सेकंड राउंड होने वाला है, और वहां बीच में 7 सेट के अपने अपने एरिनाज बने हुए हैं। एक आवाज़ हमें बताती है कि इस राउंड में कल्टीवेटर्स अपने सेट को चूज करेंगे, और वो जिस सेट में जाना चाहते हैं उन्हें उसी के एरिना में जाकर फाइट करनी होगी। इसके लिए उन्हें ढेर सारे प्राइजेस भी मिलेंगे, जिसमें सबसे खास है फाउंडेशन स्टोन, जो आपकी कल्टीवेशन स्किल्स को कई गुना बढ़ा सकता है। यही हम ली नाम के एक और कल्टीवेटर को देखते हैं, और वैन हैनली को बताता है कि ये शू कंट्री की जैन फैमिली से है, जिनका कल्टीवेशन लेवल तो कमजोर है, लेकिन इनके टूल्स और मैजिकल वेपन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। तभी एक फाइटर ली को चैलेंज करने आता है, लेकिन उसकी स्टार हैमर पावर का मुकाबला नहीं कर पाता, और उछल कर एरिना से बाहर आ गिरता है। हैनली भी समझ जाता है कि सिर्फ कल्टीवेशन स्किल से कोई फायदा नहीं होगा, और उसे कुछ टूल्स, स्पेल्स और मैजिकल वेपन भी चाहिए होंगे ताकि वो इमोर्टैलिटी की जर्नी को पूरा कर सके। तभी उनकी नजर येलो सेट के अरीना पर जाती है, जहां फेंग्यू का मुकाबला एक दूसरे कल्टीवेटर से हो रहा है। फेंग्यू जल्द ही उसे ढेर कर देता है, और हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर उसे रैम की भीख मांग रहा है, लेकिन ताकत के नशे में चूर फेंग्यू उसे बुरी तरह घायल कर देता है, और ये देखकर बाकी सब लोग डर जाते हैं। फिर वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगता है, और हैनली देखता है कि फेंग्यू भी वही येलो सेट ज्वाइन करने वाला है जिसका टोकन उसके पास भी है। फिर वो वैन से अलविदा लेता है कि अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, और तुम्हें भी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है।
यही हम किनक्यूज चोर फैमिली को देखते हैं, जो शायद वैन के अकेला होने का वेट कर रहे थे और हैनली के जाते ही उसे अपने पास बुला लेते हैं। आगे का सीन रात का है, जहाँ हैनली पास ही के एक जंगल में रात गुजारने आया है और सोचता है कि कल सुबह वो टोकन लेकर येलो सेक्ट में जाएगा। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और पता चलता है कि ये तो उसका दोस्त वैन है, जो शायद किसी से बचकर भाग रहा है। हैनली तुरंत उसे चेक करने जाता है और वैन बताता है कि किन की फैमिली मुझे लूटना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया है। हैनली एक नीडल से उसका पॉइजन लेवल चेक करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वैन की जान नहीं बच पाती। तभी उसे महसूस होता है कि किन की फैमिली उसके करीब आ रही है और वो उनसे बचने के लिए भागने लगता है। वो लोग उसे अपना सब कुछ उनके हवाले करने को बोलते हैं, लेकिन हैनली इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और तभी वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। वैसे तो उनके अटैक्स बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन हैनली की कल्टीवेशन स्किल्स के आगे टिक पाना उतना ही मुश्किल था और वो अपने गोल्डन स्पेल से उन्हें ढेर कर देता है। फिर वो वैन के लिए एक मेमोरियल बनाता है और कहता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम मेरे सबसे पहले दोस्त थे और मुझे दुख है कि हम लोगों को इस तरह बिछड़ना पड़ा। आगे हम उसे येलो सेक की ओर जाते हुए देखते हैं, ताकि टोकन की मदद से उसे ज्वाइन कर सके और एक लंबा रास्ता तय करके वहाँ तक पहुँच जाता है। गेट पर उसका सामना येलो सेक के मास्टर वू से होता है और वो उन्हें अपने पास रखा वो इमोर्टल टोकन दिखाता है। मास्टर वू कहता है कि ऐसा टोकन तो मैंने काफी टाइम से नहीं देखा और जरूर ये तुम्हें किसी स्पेशल आदमी से मिला है। फिर वो उसे एक फ्लाइंग बोट पर लेकर आता है, जो उन्हें येलो सेट के हेडक्वार्टर तक ले जाएगी और हैनली देखता है कि वहाँ उसके जैसे और भी कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। तभी वो कुछ लोगों को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और मास्टर वो बताता है कि ये यहाँ की इंपीरियल फ्लाइंग टेक्निक है, जो सेट के सभी कल्टीवेटर्स को मिलती है। फिर वो उन सबको कुछ आइटम्स देता है, जिसमें कपड़े, वेपन्स और वो फ्लाइंग लीफ शामिल है। साथ ही उन्हें मिलता है एक मैजिकल पाउच, जिसमें वो एक जीवित प्राणी के अलावा कुछ भी स्टोर कर सकते हैं और ये पाउच अपने ओनर से लिंक हो जाता है। वो उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स भी दिखाता है, जैसे सेक्ट लीडर का पैलेस, ट्रेनिंग ग्राउंड और सबसे खास 100 अपॉर्चुनिटी होल, जहाँ वो अलग अलग टास्क करके स्पिरिचुअल स्टोन कमा सकते हैं। फिर वो सब हॉल में अपना नाम रजिस्टर कराने आते हैं, लेकिन मास्टर वो हैनली को रोक लेता है और कहता है कि क्योंकि तुम इस सेट में इमोर्टल टोकन लेकर आए हो, तो इसीलिए तुम्हें एक फाउंडेशन स्टोन दिया जाएगा, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड और तेज हो जाएगी। साथ ही वो उसे वॉर्न भी करता है कि बहुत से लोग इस स्टोन को पाना चाहते हैं, तो इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। लेकिन हैनली को लगता था कि एक फाउंडेशन स्टोन से उसका कुछ नहीं होगा और इमोर्टल बनने के लिए उसे और स्टोन चाहिए होंगे। मार्केट से उसे वो स्पेल बुक भी मिल चुकी थी, जिसमें और स्टोन बनाने का फॉर्मूला लिखा हुआ था, लेकिन इसके लिए उसे कुछ रेयर हर्ब्स ढूंढनी होंगी। तभी उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर पड़ती है कि सेट को हर फील्ड के लिए डिसेबल की जरूरत है और वो रेयर हर्ब्स भी उसे वहीं मिल सकती हैं। यही सोचकर वो इस टास्क को ज्वाइन करने की सोचता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।